नमस्कार दोस्तों स्टॉक के सीरीज में आप सभी का हार्दिक कर अभिनंदन करता हूं दोस्तों एक ऐसी कंपनी लेकर के आया हूं जो नेक्स्ट ट्राइडेंट बनने वाला है जी हां दोस्तों ट्राइडेंट का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये ये टेक्सटाइल टेक्सटाइल की की कंपनी कंपनी है और दोस्तों ये की, अगर तो करती क्या है यहां पर एक बार देख लीजिएगा ये जींस बनाती है यार्न ग्लोब हैज ग्लोबिन तो ये आ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह के इसके धागे बनाए जाते हैं उसके बाद से होम टेक्सटाइल्स उसके बाद से प्रिंटेड फैब्रिक जी हाँ दोस्तों प्रिंटेड फैब्रिक जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं वो उसके

नहीं जा सकता है अगर ये इस तरह से जब जिस कंपनी में इस तरह से गिरावट हो तो उसका क्या कहेंगे तो दोस्तों ये जो आपको गिरावट दिख रहा है ये गिरावट नहीं है यहां पर ये कंपनी स्प्लिट हुई थी और स्प्लिट होने के बाद से दोस्तों ऑलमोस्ट इस जोन में कम से कम ये पांच महीना था जी हाँ दोस्तों उस टाइम पे इसका प्राइस अराउंड दो रुपये के पास था और दो रुपये से आज के डेट में ये कंपनी पहुंची थी सोलह रुपये हाई बनाया तो क्या ये दोस्तों अब फिर दोबारा से ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी इसे हम थोड़ा सा देखेंगे लेकिन फिलहाल इसका जो ट्रेंड अभी चल रहा है डाउन ट्रेंड चल रहा है कहां पर सपोर्ट होगा किस तरह से इस कंपनी को एनालिसिस करेंगे दोस्तों चार्ट पर मत किसी भी कंपनी को आके जब तक आपको उस कंपनी का फंडामेंटल ना मालूम हो क्योंकि चार्ट पर आप इस तरह से अगर लाइन लगा करके देखेंगे ना दोस्तों तो फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि कंपनी करती क्या है इसका बुक वैल्यू क्या है इसमें इसका जो है डेफ्थ है कि नहीं है प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक की तरह है ये कंपनी कर्जे में है कि नहीं है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि एक बार फंडामेंटल फटाफट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे जो मेन चीजें होते हैं उसको हम लोग देखेंगे तो दोस्तों सबसे पहले इस कंपनी में आप यहां पर नाम देख लीजिएगा और उसके बाद अच्छा हाँ यहां पर आप नाम सबसे पहले देख लीजिएगा ग्लोब टेक्सटाइल इंडिया लिमिटेड तो दोस्तों अगर इस कंपनी की हम बात करें तो कंपनी आप देखेंगे कि मार्केट कैप 212 करोड़ और वहीं डेप की बात करें तिरासी करोड़ 200 रिजर्व की बात करें चौदह तो ये कंपनी डेफसरी कंपनी नहीं कह सकते इसे लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्लेजिंग की तो प्लेजिंग है नहीं और प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक सेवेंटी तक का प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है विश्वास मानिए ये कंपनी अगर डूबती है तो सबसे ज़्यादा पैसा किसका डूबेगा वो डूबेगा प्रोमोटर होल्डिंग का क्योंकि सबसे ज़्यादा इस कंपनी में स्टेक उनका ही है अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो आ, मोटा मोटी नौ रुपया बुक वैल्यू और करंट प्राइस की बात करें तो चौदह रुपया मतलब नौ दोनों अठारह अगर यह कंपनी एक गुना भी भागे ना तो भी कम से कम अठारह रुपया तो दोस्तों इस कंपनी को एक बार फोकस जरूर कीजिएगा लेकिन फिलहाल मतलब दो गुना भागे तब तो नौ दुना आ, नौ दुना अठारह होगा लेकिन फिलहाल अभी ये कितना भाग रहा है मतलब डेढ़ गुना ही ये कंपनी अपने बुक वैली से ऊपर की साइड में भागा है तो क्या ये पाँच गुना छः गुना सात गुना भागेगा कि नहीं भागेगा उसे हम लोग फंडामेंटल पर आते हैं और वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों मैं आपको लेकर के आऊँगा क्वार्टर रिजल्ट पर रिजल्ट पर इसलिए लेकर के आ रहा हूँ कि ये ये जो सीजन है ना वो अर्निंग सीजन अर्निंग सीजन क्यों है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियों का रिजल्ट आएगा और जिस कंपनी का अच्छा रिजल्ट आएगा उस कंपनी में हम लोग प्रॉफिट कहां पर करते हैं हम लोग प्रॉफिट टेलीग्राम चैनल पर करते हैं जी दोस्तों तो हम यहां पर विश्वास मानिए मारुति का और मारुति का जब यहां पर मारुति एक मिनट में दिखा देता हूं कि हां यहां पर देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा मारुति सूचकी इंडिया लिमिटेड क्वार्टर थ्री नेट प्रॉफिट उसने टेन बिलियन का किया था और जैसे ही मैं चार्ट के ऊपर डाला था दोस्तों क्या भयंकर मोमेंटम हुआ तो बिना देर के वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है आइए दोस्तों अब मैं क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात कर रहा था तो जो आज जो क्वार्टर रिजल्ट में आप सेल्स देखेंगे ना तो इस कंपनी ने अब तक का सबसे ज़्यादा क्वार्टर रिजल्ट यहां पर पेश किया हुआ है आप देख सकते हैं 2019 से लेकर के मतलब हमारे पास जो डेटा है उसकी मैं बात करूंगा अब तक की नहीं बात करूंगा क्योंकि कंपनी और भी पुरानी हो सकती है लेकिन उसका डेटा हमारे पास यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो दोस्तों दो सेप्टंबर दो से लेकर के सेप्टंबर दो तक मात्र चौरासी था लेकिन दिसंबर दो की बात करें तो एक करोड़ का इसने सेल्स दिया हुआ है वहीं दोस्तों अगर हम बॉटम लाइन पर आ जाए कंपनी के तो बॉटम लाइन भी ऑलमोस्ट आज तक का सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इस कंपनी ने इस क्वार्टर में किया हुआ है है करोड़ का इसीलिए दोस्तों इस कंपनी में चांसेस है बहुत ज्यादा ऊपर आने के लिए अब मैं चार्ट के ऊपर आ जाता हूं और चार्ट पर वनडे का चार्ट लगाएंगे और वनडे के चार्ट में थोड़ा सा हम लोग इस स्टॉक को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हम जब चार्ट पर देखते हैं तो चार्ट पर हमें यही दिख रहा है कि जब इस कंपनी में वॉल्यूम बनना चालू हुआ था और वॉल्यूम कम बना जब ये कंपनी यहाँ पर स्प्लिट हुई थी स्प्लिट होने के बाद से दोस्तों हम देखेंगे कि यहाँ पर कम से कम चार से पाँच महीने का टाइम लिया था ब्रेकआउट होने के बाद से और जिस दिन इसका ब्रेकआउट हुआ था उस दिन ये कंटिन्यूस ऊपर की साइड में प्राइस गया था प्राइस जाने के बाद से एक हाई बना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उन्नीस बीस रुपये का एक बार देख लीजिएगा प्राइस तो यहाँ पर हाई बनता है हाई बनने के बाद से धीरे 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 प्राइस में करेक्शन चालू होता है और उसके बाद से नीचे आता है नीचे आने के बाद से दोस्तों कहीं कहीं इसका यहाँ पर एक सपोर्ट था ये अपने सपोर्ट पर आना चाहिए था वहां से लेकिन बीच में क्वार्टर रिजल्ट आया तो क्वार्टर रिजल्ट में हम देखेंगे यहीं पर इस कंपनी ने सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद से अब प्राइस में फिर दोबारा मोमेंटम चालू हो गया तो हमें क्या करना है इस कंपनी में हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट कौन सा हो जाएगा तो अब अगर हम इस कंपनी का एक सपोर्ट मान लें यहाँ पर तो सपोर्ट हमारे पास बारह रुपया एक मिनट मैं इसको मोटा कर देता हूं ताकि क्लियर दिखे तो दोस्तों बारह रुपये इकतालीस पैसे का हमारे पास सपोर्ट है चौदह रुपये प्राइस चल रहा है और फिर अपने ये बुक वैल्यू के पास भी आता है तो सबसे पहला इसे हमारा जो टारगेट निकल करके आता है उस टारगेट को हम लोग लगाएंगे एटीन रुपये तक का ठीक है तो एटीन रुपये मतलब अराउंड यही जो हाई बन करके गया था नाइनटीन रुपीज़ तो ये पहला टारगेट होगा लेकिन जिस दिन ये 19 मतलब अभी तक का फिलहाल रिसेंटली जो हाई बना करके आया दोस्तों तो अगर ये अपने बुक वैल्यू के पास मतलब हाई ऑल टाइम हाई ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे लेकिन रिसेंटली ये जो हाई बना करके आया था उन्नीस रुपये अगर इसको ब्रेक करता है तो बुक वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग मोटा मोटी देखें तो आठ तिर के चौबीस रुपये और दूसरा तीन गुना तीन या चार गुना भी भागता है तो कम से कम चौबीस गुना तक चौबीस रुपये तक का इसका प्राइस तो मोटा मोटी हम लोग पच्चीस रुपये तक का टारगेट मान करके चलेंगे तो इस कंपनी का एक बार आप भी फंडामेंटल ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको अच्छी लगी वीडियो प्लीज लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप लोगों ने ही इसे कमेंट बॉक्स में डाले थे इस कंपनी के बारे में बनाने के लिए तो मैं आपके कॉमेंट से ही एक एक वीडियो एक एक वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों ट्राई करता हूँ कि जितने भी आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में आ, अब स्टॉ आई मीन जितने भी स्टॉक डाल करके रखे हुए हैं उन सबका छोटा छोटा वीडियो बनाने की ट्राई करूंगा पाँच सात या दस मिनट की वीडियो होगी तो प्लीज़ एक बार देखिएगा जरूर थैंक यू दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में